हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा जिला से अब है, जहां जिला के तेउथर तहसील के सोहागी पुरवा और मजगवा गांव का प्रशासन डायमंड ब्लॉक के तौर में ही चिन्हारी लगाई नहीं भाई, जेके खातिर 10 मई से ई टेंडर चालू की जाई। एक साथ है बड़ी बड़ी कंपनी चिन्हारी वाले तिन्हू गामन में हीरा के खोज करी ही। बतावा जात है भाई के एक साल पहले रीवा में ही हीरा खातिर सर्वे करावा गया रहा। अब वही आधार में जिला के सुहागी मजगमा और पूर्वा गाँव के चिन्हारी कीन गए रही है भाई। आई अपनों को सुनाई थे सलगे मामला में ही रीवा कलेक्टर का जानकारी दे रहे हम। उम्मीद करते हैं कि इसके आ जाने से उस क्षेत्र के विकास में नई सुविधाएं डेवलप होंगी। पूर्व में सर्वे कराया गया था और जब भी संभावनाएं रहती हैं तो उसके टेक्निकल सर्वे कराए जाने के बाद अगर संभावना होती है तब फिर इस तरह के कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए टेंडर जारी किया जाता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ये सर्वे पहले कराए गए थे और इसकी संभावना को देखते हुए इस तरह का टेंडर किया गया। रीवा के जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर के दूरी में ही गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ही लक्ष्मणपुर के लगे एक ठे गांव वैसनव हबै, जौने के नाव ले माही वहां के गांव वालन का लाज लागत हिबै। काहे से के वो गांव के नामे ऐसन है जेखा ले से गांव वाले हंसी के पात्र होत रहे। एक खातिर गांव वाले गांव के नाम बदल के दुर्गा नगर कह दिन और अब गांव के नाम का शासकीय रिकॉर्ड में घलाए बदल के दुर्गा नगर करे के मांग विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से करी नहीं भाई। जेके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम गांव के नाम का लयके गांव वालिन की पीड़ा का समझ के शासकीय रिकॉर्ड में घलाए दुर्गा नगर करे के आश्वासन दही नहीं भाई। देखिए मामला में ही विधानसभा अध्यक्ष का बताए रहे हम। और हमारे सांसद जी हैं जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज उपस्थित हमारे यहाँ जितने लोग हैं ये इस बात के गवाह होंगे कि आज का ये 7 मई का जो दिन है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और आज जो इस गांव को जो उपलब्धि मिलने वाली है वो आज ही नहीं जो आने वाली पीढ़ी है और जनमानता तक के लिए ये आज कभी और अध्यक्ष महोदय का नाम हमेशा याद रखेगी। अध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में एक ऐसा ये गांव है जहां मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। इस गांव के लोग आजादी के 75 साल बाद भी अपना नाम नहीं ले सकते हैं, अपने गांव का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं। जिस तरह पहले गांव की महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, पड़ोस के पड़ोसी और भाई परिवार का नाम लेती थी, उसी तरह इस गांव के लोग अपने गांव का नाम नहीं ले पाते। कोई कहता है कहाँ रहते हो भाई, कनौजा के पास रहता हूँ। कहाँ रहते हो भाई, लक्ष्मणपुर के पास रहता है। कहाँ रहते हो इसको दुर्गा किया है, दुर्गा नगर। अब दुर्गा नगर दिया जाए अब दिक्कत दूसरी है। इसमें सांसद विश्व स्तर पे वो नाम पहुंचा दिया तो लोकल स्तर पे नाम हटाना थोड़ा सा कठिन है। हमारे सांसद जी ने उस गांव के नाम को पूरे देश में फैला दिया, बड़ा ऊंचे तक चला गया। फिर भी मैं भाई नागेंद्र सिंह जी से आग्रह करना चाहता कि विधानसभा में नियम प्रक्रिया है इसकी, वो कोई चीज लाकर के विधानसभा में नाम है और हमारी जो क्षमता हमारी शक्ति उसके आधार पर उसको करने का प्रयास करूँ और ये विधानसभा। वैसे भी आप कह रहे थे कि जिला योजना समिति पे शायद हम लोगों ने नाम का प्रस्ताव कर दिया, पहले से ही जिला योजना समिति में हम सब बैठे थे, दादा भाई बैठे थे, हम बैठे थे, शायद वो नाम चेंज हुआ है। रीवा में ही एक रात में बने वाले जिला के देवतालाब मंदिर में ही अब अगर भोलेनाथ के दर्शन कराए खातिर जाए का है तो मंदिर में प्रवेश खातिर ड्रेस कोड अपनाई पड़ी। अपने का बताए दी कि मंदिर परिसर के भीतरे अब पुरुष धोती पहिर ही और महिला साड़ी में नजर आई। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध देवतालाब मंदिर में नियम बनावा गा है जहाँ मंदिर परिषद के बैठक में ड्रेस कोड के फैसला लेन गा है। ये बैठक में ही मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम घलाय शामिल रहे। अभी कल मंदिर की जो प्रबंध समिति है उसकी बैठक थी, मैं भी उसका सदस्य होने के नाते मैं भी बैठक में था
तो उसमें 3-4 प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक तो ये कि मंदिर से लगा हुआ एक बैजू धर्मशाला, जो भी बैजू धर्मशाला शायद यही बैजू धर्मशाला हुआ, पर उसमें बैजू धर्मशाला की हालत जीर्ण है और उसमें अतिक्रमण लगातार होते चले जा रहे हैं। तो एक प्रस्ताव ये पारित हुआ कि इसको एक तो मंदिर के एरिया के भीतर है तो उसको मंदिर की संपत्ति घोषित किया जाए और उसका बढ़िया रख रखाव कर दिया जाए, जिससे रुकने वालों की धर्मशाला है एक व्यवस्था बन सके, उनके रास्ते खोल दिए जाए। एक तो ये निर्णय हो। दूसरा यह हो कि लक्ष्मण झाड़ीदास जी का एक मंदिर है, मंदिर का बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया। हाल ही अभी प्रशासन ने अतिक्रमण को खाली करा लिया है, सब कुछ कर दिया है। तो ये हुआ कि उसी में जो स्पेस ज़्यादा है तो एक बड़ा हॉल बना दिया जाए, उसमें ओपन हॉल है, सेट करा है, कुछ कमरे बन जाए उसमें जो उसमें सारी सुविधा युक्त वो हों, तो लोगों को जाने को जो भक्तगण जाते हैं पूरी तरकारी बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं उनके जगह बैठने का रहने का वहाँ मिल जाए। एक तो ये निर्णय हुआ। तीसरा निर्णय उसमें ये हुआ है कि मंदिर के भीतर अभी होता ये था कि जिसकी जो तबीयत आती थी वो पहनावा पहन के जाता है। ये निर्णय किया प्रबंध समिति ने कि नहीं, अब इसमें ड्रेस कोड लागू हो और मंदिर के गर्भगृह में जो जाते हैं, जो शंकर जी को हाथ से जस्त्र स्नान कराते हैं, दही कराते हैं, शहद कराते हैं, दूध कराते हैं, धोते हैं, बेल चढ़ाते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस ये हो कि पुरुषों के लिए पर्दनी या जेंट्स धोती हो और महिलाओं के लिए उनकी साड़ी हो। इसके अलावा जीन्स नहीं अलाउ करेंगे, बेल्ट नहीं अलाउ करेंगे, ये सब रोकने की आवश्यकता है। तो ये करके निर्णय हुआ है और बाकी और उसको सुंदर बनाना है, सड़कों को ठीक करना है, जो गेट है वो ठीक करना है। और तीसरा ये हुआ कि अभी जब शिवरात्रि होती है तो वो एक हमारे पर्यटन की तरफ से एक कार्यक्रम होता है बड़े बड़े शिव मंदिरों में, उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया कि हमारा देवतालाब भी ले लिया जाए। और जिस तरह से घोष में होता है, जिस तरह से महाकाल में होता है, जिस तरह से ओंकारेश्वर में होता, उसी तरह से यहाँ भी वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता वो हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ जुड़ जाए। बाकी उनके भोग का है तो भोग को जो चढ़ के आता हूँ, फिर भी मैं कह के आया हूँ कि प्रतिदिन 1 लीटर दूध लगता है, तो हमारी तरफ से जब तक मैं यहाँ व्यवस्था में हूँ तो वो लाइए और बढ़िया भगवान का ठीक से भोग तैयार हो, उनकी ठीक से पूजा आरती हो सके। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि कई आस्थावान लोग जो जाते हैं अंदर और जब उनके स्नान करा रहे हैं शंकर जी, किसी समय जीन्स वाला पैंट वाला बेल्ट वाला आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये आस्था के साथ ठीक नहीं है, उनकी धार्मिक भावना के साथ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बार बार आपत्ति आती थी। इसीलिए इस आपत्ति को हम सब ने स्वीकार किया और उसका प्रस्ताव पारित किया। वैसे भी जब आप देखते होंगे कि मलिमास का महीना या सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, उस समय गर्भगृह में जाना अभी रोका, पिछले साल रोका बंद है, तो रोका तो सब ने सहमत के साथ, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ और सब ने मान लिया। इसलिए जैसा बैजनाथ धाम में होता है उसी तरह जल चढ़ाने की व्यवस्था हुई कि पानी यहीं से डालिए वो सीधे उनकी मूर्ति पर जाएगा, उस व्यवस्था को सब ने स्वीकार किया। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही ये लागू होगा, क्योंकि उसका टाइम दिया कि आषाढ़ में शुरू करेंगे अपन इसको, तो जैसे लागू होगा सब जितने श्रद्धालु भक्तजन हैं इसको स्वीकार करेंगे। ये तो उनके पक्ष की है, धार्मिक हमारी जो धार्मिक आस्था उसको चोट कहीं ना लगे, हमको प्रयास ये करना चाहिए। 1992 बैच के मध्य प्रदेश के एक रिटायर IAS अधिकारी के ऊपर उनकर बहू दहेज प्रताड़ना के और रेप के कोशिश करे के आरोप लगाई है। यह मामला पुलिस के लगे पहुंचा है, जहां सतना SP धर्मवीर सिंह बताइन के मामला संज्ञान में आवा है, जहां दोनों पक्ष अपन अपन आरोप प्रत्यारोप पुलिस के संग रखी नहीं बे। वहां इस अलगे मामला में ही परिवार का काउंसलिंग खातिर मैहर बुलावा गा रहा, पर वहां बात नहीं बन पाई, जेके बाद फैमिली कोर्ट के आदेश मंगवावा गा है, जेके अध्ययन करे के बाद आगे की कार्रवाई की जाई। मायके आए यहाँ कंप्लेन लिखवाने गए TI सर के पास मैहर थाना, तो मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई। मैं सतना गई 4 बार, सतना में भी SP सर बोले TI सर को कि इनकी कंप्लेन लिख दो, रिपोर्ट लिख दो। तो जब मैं TI सर के पास गई तो TI सर मना करते हैं कि मैं इनकी कंप्लेन नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो लोग कलेक्टर हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, तो मैं उनकी रिपोर्ट नहीं ले सकता हूँ। रीवा जिला के हनमना के अंतर्गत सीथी रोड माही स्थित रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय से रामानुज जयंती माही विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अपना को बताई दी कि चिलचिलात दोपहरी माही दोपहर के 12 बजे शोभा यात्रा शुरू करे के बाद हनमना के सड़कन माही लोगन के भीड़ देखे का मिली। इस शोभा यात्रा माही राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आस्था से जुड़े अनेक जने भाग लिहिन। शोभा यात्रा है शायद
रीवा से भाई, जहां बाढ़ सागर तिराहा मास चलाए वाली कियोस्क सेंटर में ही युवक के साथ बदमाश जबरदस्ती कहके ओकर अंगूठा लगवाइन और जान से मारे के धमकी दई के 25,000 रुपया निकाल के भाग गए। अपना का बताई दई कि पीड़ित जानकारी दिहिन के जबरदस्ती पीड़ित के फिंगरप्रिंट लगवाबागा और उसके खाता से पैसा निकाल के युवक फरार हो गए। पीड़ित केशव साकेत गोर गांव रायपुर करचुलियान के रहे वाले आई, जे के साथ दुठ युवक जबरदस्ती कह के उनका पैसा काढ़ दिहिन। वही सलगे मामला में ही समान थाना पुलिस युवकन के तलाश के बात कही रही है। बुलेटिन की अगली खबर सीधी से है, जहां शहर के नगर पालिका के कर्मचारी और ठेकेदारिन के ऊपर जबरई लोगन से टैक्स वसूले के आरोप लागत ला है। एक एकठे वीडियो भलाए सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां सीधी शहर में ही कौनो मेर के वाहन चाहे वो सामान लेके आवे चाहे खाली आवे ओकर टैक्स दिहन परत है। यह आरोप व्यापारी और गांव के लोग लगाइन है, जैसे परेशान हुई के व्यापारी के एक जत्था सीधी कलेक्टर का ज्ञापन दे पहुंचा रहा, जहां व्यापारी कलेक्टर से कड़ी कार्रवाई के मांग घलाई करे रहे। हम भाई अभी मामला माही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो ने माही नगर पालिका सीधी के कर्मचारी जबरई टैक्स के वसूली कर रहे हम। वही वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला सख्त हो गया है और ऐसे मामला माही तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिहीन है। जिला माही चोरी और लूट की घटना अब कोनो बड़ी बात ही नहीं रही गए, जहां एक कई बदमाश चाकू के नोक माही लूटपाट करा था माँ तो वह आंखी से ओझल होए माँ उनका समय नहीं लागे। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारी चौक के आए, जहां बदमाश दुकान के काउंटर में रखा मोबाइल चुराए के भाग गए। घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरा में कैद भई है, जेका देख के अपना अनुमान लगाए ले कि कौन मेर से लोग चोरी के वारदात का अंजाम दे रहे हैं। मां पीड़ित एकर जानकारी कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है, वहीं पुलिस फुटेज के आधार में ही बदमाशन के खोजबीन कर रही है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।